गीता प्रेस में जब तक काम करने का अधिकार है तब तक काम कर लो। गीता प्रेस में राजनैतिक पुस्तकें नहीं छपती हैं, बाइस्कोप, सिनेमा, सिगरेट, बीड़ी, खेल के प्रचार की तो गंध ही नहीं है, बल्कि इनका तो यहाँ विरोध ही रहता है। जिस किसी भी प्रकार से पुस्तकों का अधिक से अधिक प्रचार हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। जैसे विवाह में बारातियों को दहेज में, पुरस्कार में, उपहार में, या जिनके पास पैसे हों तो वे मुफ्त में बांटे, नहीं तो इन पुस्तकों का मूल्य लेकर देना चाहिए। इन पुस्तकों का भारत के कोने कोने में प्रचार करना चाहिए। स्कूलों में, कचहरी में, घरों में जाकर प्रचार करना चाहिए। गले में झोला डालकर प्रचार करना चाहिए। फिर मान बढ़ाई तो ठहरेगी ही कहां। प्रचार का ढंग एक गीता, रामायण आदि के प्रचार करने का सदस्य बनना, दूसरा गीता रामायण परीक्षा समिति द्वारा प्रचार करना। इन दोनों से भी वह श्रेष्ठ है जो हिंदुस्तान भर में पुस्तकों का प्रचार करता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। यदि यह काम श्रेष्ठ नहीं होता तो यह काम मैं घनश्याम, श्री घनश्याम दास जालान, भाई हनुमान, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार क्यों करते। हम पैसा कमाना खूब जानते हैं, इसलिए हम लोगों को सबका हित निष्काम भाव से करना चाहिए। गीता जी के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में आया, विहाय कामान्यः सर्वपुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। भीतर में कर्तापन के अभिमान का भी त्याग कर देना चाहिए। फिर इस त्याग का भी त्याग कर देना चाहिए, अर्थात मैं त्यागी हूं, इस भाव का भी त्याग कर देना चाहिए। भगवान की आज्ञा और उद्देश्य का पालन करना चाहिए। सत्संग के अमूल्य वचन, आत्म उद्धार करना हो तो इधर उधर की बातें छोड़कर हर समय भगवान का भजन करें।
प्रभु को छोड़कर अन्य में मन नहीं लगावे। मन निरंतर प्रभु के स्मरण में लगा रहे, भगवान के भजन में देह सूख जाए, साधन करने में मृत्यु हो जाए तो भी हर्ज नहीं। जैसे पूर्व जन्म के स्त्री पुत्र परिवार की अब याद भी नहीं है, इसी भांति इस जन्म की बातें और स्त्री पुत्र परिवार भी याद नहीं आएंगे। फिर समय व्यर्थ क्यों गवावे? मन को निरंतर भगवान के भजन स्मरण में लगाए रखे। जैसे पतिव्रता प्रत्येक कार्य पति की प्रसन्नता के लिए करती है, वैसे ही अपना प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रभु को याद रखते हुए करे। कठपुतली के समान सूत्रधार प्रभु पर निर्भर हो जाए। विपत्ति प्रभु का भेजा हुआ पुरस्कार है, उसमें परम आनंद माने, उसे प्रभु का प्रसाद समझे। उसमें मुफ्त में प्रभु का छिपा हुआ प्यार भरा हुआ है। नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 ஆனந்தீயா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 னந்